चलो। बाय गीत। क्या? हमेशा ऐसे ही रहना। अरे उसे मिल तो लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग सब मिलकर मुझे पीटने वाले तो नहीं है ना? मेहरा साहब मारना मत यार प्लीज। मानता हूं कि मैंने काम पिटने वाला ही किया है, बिना बताए चला गया। पहले से ही कंपनी की हालत इतनी खराब थी, ऊपर से मैं और मेरी तन्हाई। मैं ये भी जानता हूं कि मार्केट में मेरे बारे में कई तरह की बातें चल रही। आदित्य कश्यप अपने फादर की जगह नहीं ले सकते, कंपनी स्प्लिट होने वाली है, उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली है, वो शहर छोड़कर भाग गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। झूठी अफवाह, जो बाय द वे सब सच है। सो हमारे शेयर प्राइसेस ऑल टाइम लो पर हैं, सारे नए ब्रांड्स फ्लॉप हो चुके हैं, ऊपर से 572 क्लेम्स। इन अदर वर्ड्स, अपनी हालत बहुत खराब है बॉस, साड़ी तो बैंड बच चुकी है। इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता, अब सिर्फ अच्छा हो सकता है और होगा। इंसान जो कुछ रियली चाहता है ना, एक्चुअली उसे हमेशा वही मिलता है। और इस बार मैं रियल में चाहता हूं, एक्चुअल में, कि हर प्रॉब्लम को सामने से फेस करूं, हर इनकम्प्लीट प्लान को कंप्लीट करूं, इस कंपनी को वहां तक ले जाऊं जहां खुद डैड भी नहीं सोच सकते। मैं जानता हूं कि आप सब डैड से बहुत प्यार करते हैं, वो हैं कहीं पर देख रहे हैं हम, तो चलिए उनको दिखा देते हैं कि बॉस ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी आपके बिना भी चल सकती है और आपके एक्सपेक्टेशन से बेटर चल सकती है। दिखा देते हैं उन्हें। व्हाट यू से? बिकॉज दिस इज खन्ना डज नॉट वॉन्ट टू एंटरटेन एनी सेटलमेंट एट दिस स्टेज। शी इज हियर ओनली टू ऑनर द रिक्वेस्ट फॉर दिस मीटिंग। उनका ख्याल है कि मिस्टर आदित्य ने बहुत ही इनअप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव किया है, सो नाउ देयर इज नो फर्दर रूम फॉर नेगोशिएशन। आप कितना बात करते हो यार, आई मीन बहुत मजा आता होगा ना ऐसे बात करने में। पता है पिछले कुछ दिनों से मुझे आप जैसे ही मिल रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ये आपके क्लाइंट का क्लेम है राइट? मैं साइन करने को तैयार हूं। आपका काम खत्म, टेक इट इजी, रिलैक्स, टेक अ चिल पिल मैन। सुनो साहब का टेक केयर करो, और सुनो पूछो मोबाइल बिल कितना आता है। सर प्लीज। मिसेस खन्ना, आपने अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ किया अपने हस्बैंड अपनी फैमिली के साथ, वो आपका पर्सनल मैटर, इस कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं। उसकी वजह से मैं आपसे आपकी जिंदगी भर की मेहनत नहीं छीनूंगा। आपने और मिस्टर कश्यप ने इस कंपनी को एक कमरे में शुरू किया था, 30 साल की मेहनत के बाद आपने इसे वो बनाया जो ये आज है। ये 5 चीजें ना आप किसी से मांग सकती हैं और ना ही कोई आपको दे सकता है। ये कंपनी उतनी ही आपकी है जितनी मेरी है, और मैं चाहता हूं कि इसमें आपकी वही जगह, वही पोजीशन और वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जो आज से 5 साल पहले थी। इज दैट ओके?
Raghav, get the papers ready. I want to sign in one hour, yeah? Sure. Welcome back. Aur sir, aapka STD ka bill kitna aata hai? I don't want to discuss. Suno, request karke itemized bill lena. It's really important, yeah? Okay, sir. Meher? Yes, sir. अपनी टेलीकॉम टीम को बुलाओ, आई हैव अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया एएसएपी, या और मुझे किसी से डर लगता है, स्टेक ओनर्स. कल सुबह स्टेक ओनर्स के साथ मीटिंग, जब उन्हें पता चलेगा दैट मॉम इज बैक, आई जस्ट वांट टू सी द एक्सप्रेशन ऑन देयर फेसेस. फिर मैं अपनी टर्म्स उनके सामने रखूंगा. एडी, क्या हो? क्या हो? तुम बताओ क्या हुआ यार? मनाली गए थे राइट? या वहां पे जय बाबा भोलेनाथ किया था? करेक्ट, ये बात है. कुछ तो बात है, और बात सीरियस है. मुझे तो डर है कि तुम जिस तरह से जा रहे हो, तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दोगे यार. एक दिन में इतना काम कर रहे हो जितना पिछले 6 महीने मैंने किया था. तुम्हें अपनी रेपुटेशन का ख्याल है कि नहीं? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू यार? व्हाट्स रॉन्ग विथ मी? मैं कैसे भूल सकता हूँ? क्या सबसे इंपॉर्टेंट काम? एनुअल रिपोर्ट. नहीं नहीं नहीं, मैं मिलता हूँ. कंट्रीज फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग कार्ड, कीथ. उन लोगों के लिए जो ज्यादा बातें करना पसंद करते. एक्सक्यूज मी सर, इंडिया में आपको कॉलिंग कास्ट का आइडिया कैसे आया? दुनिया छोटी होती जा रही है और इंडिया बड़ा होता जा रहा है. आज हम दुनिया भर से बातें करते हैं. आइडिया ये है कि लोग दिल भर कर बात करें, बिल भर कर नहीं. हम कॉल कर देते हैं, डजंट रियली मैटर. ऑल दैट मैटर्स इज देयर आर टर्म्स आर मेट. सो प्लीज रिक्वेस्ट हिम टुमारो फॉर अ मीटिंग एनी टाइम आफ्टर लंच. इतना कसम, एक्सक्यूज मी, कौन है आप? एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, मुझे हम दीदी के पास नहीं ढूंढ पाएंगे. कमीना है. कहाँ है वो? अरे गीत को बोल ना, देखता क्या है? और कितने आ बोल, तो बुलाओ से यहां पर, हमें उसे बात करनी है. चाचा जी, गीत मेरे साथ नहीं है. और जा तू, और बंद करो अपने ये ड्रामे. जी हम तो जी ट्रेन में मिले थे एक दिन पहले, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे जी. मंजीत ने हमें सब बता दिया है, उसने अपनी आंखों से देखा तुझे, और रूप ने तुझे उसको भगाते हुए देखा है, फिर भी तू समझता कि हम खोजते हैं क्या? देखिए चाचा जी, मैं जानता हूं कि आपके ऊपर क्या इंप्रेशन है, लेकिन तू फोन उठा और बुला उसको यहां पर. उठा फोन. देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं. और देखो ए, एक्सप्लेन तो उसी दिन हो गया था जिस दिन तूने कॉलर्स कार्ड उसके नाम पर लॉन्च किया था. गीत सारी दुनिया के सामने तूने अनाउंस किया था कि नहीं? बोल. अंकल आप मेरी बात सुनिए. तू मेरी बात सुन पुत्र, तुम दोनों बठिंडा साथ निकले थे, ये बात सबको पता है. अब तू कहता है वो तेरे साथ नहीं है. सच बता, सच बता, उसे कुछ हो गया है क्या? क्या वो इस दुनिया में नहीं है? बोल दे पुत्र, बोल दे. कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 9 महीने गीत हमसे बात ना करे. 9 महीने कुछ हो गया है, मैं जानता हूँ. 9 घंटे नहीं रुक सकती थी वो. अंकल, अंकल गीत को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है. ओए, तेरे को कैसे पता? मुझे पता है अंकल, गीत बिल्कुल चंगी है, कुछ नहीं हुआ उसे. इसका मतलब वो तेरे साथ है ना? वो तेरे साथ है ना पुत्र? हाँ वो मेरे साथ. देखे देखे तो सही, बुलाओ उसको यहाँ, हमें बात करनी है उससे, अभी बुला. वो इस वक्त बॉम्बे में नहीं है. भाई शाबाश, तूने कह दिया और हम यकीन कर लें. जी कर लीजिए अंकल, मैं गीत को कर लेकर आऊंगा. कब? 10 दिन में. ओए हम यहां से जाने वाले नहीं है 10 दिन में. मैं वादा करता हूं अंकल, 10 दिन में गीत को बठिंडा लाऊंगा. ठीक है, मैं इंतजार करूंगा. पर आजी कुछ नहीं, वक्त की बर्बादी है, बेवकूफ बना रहे हमारा. 10 दिन?